उदयपुर पंचायत में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा 5 दिवसीय श्री हरि कथा का हुआ शुभारंभ। सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के उदयपुर पंचायत में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा 5 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज मंगलवार को हुआ, जहां कई पंचायतों के सैकड़ों लोग श्री हरि कथा का श्रवण करने पहुंचे। वहीं बताया गया कि काम, क्रोध, लोभ, पाप से मुक्ति के लिए श्री हरि कथा का श्रवण करना अति जरूरी है। इससे तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं और सामाजिक कुरीतियों का विनाश होता है। सच्चे सुख और शांति का वास श्री हरि कथा में समाहित है। आज 10 जनवरी से 5 दिनों तक चलने वाले श्री हरि कथा का श्रवण दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कथावाचक द्वारा आयोजित हुई है। परम पूजनीय आशुतोष महाराज के आशीर्वाद से इस तरह के हरि कथा का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। दर्जनों गांव के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जागृति संस्थान एक विशुद्ध एवं आध्यात्मिक समाज सेवी संस्था है। जागृति संस्थान पूरे विश्व स्तरीय पर एक संस्था है। सामाजिक प्रकल्प के साथ साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत में यहाँ पर 5 दिवसीय श्रीहरि कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है, भगवान श्रीहरि ने हर मानव को क्या कहा है कि हम मनुष्य बने। अर्थात आज दिखने में तो हर कोई मनुष्य नजर आता है, लेकिन मनुष्य के जो आचरण जो होना चाहिए, दया, क्षमा, शील, संतोष, ये सब कहीं नजर नहीं आता है। अभी तो आज का मानव जो है किस प्रकार से विभत्स होते जा रहा है, अश्लीलताओं के भागते चले जा रहा है, मृग तृष्णाओं के भागते चले जा रहा है, अनेकों प्रकार के संसार के सुख संसाधन के पीछे भाग रहा है, जबकि उसका असली शाश्वत सुख और आनंद उसके घट के भीतर में। मनुष्य जीवन एक ऐसा अवसर है जिसमें श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ मानव बन करके श्रेष्ठ महामानव का निर्माण कर सकते हैं। ये श्री हरि कथा 5 दिवसीय है। आज से यह कार्यक्रम 10 जनवरी से शुरू हुआ है। इसका समय 2 बजे से 5 बजे का है और ये 14 जनवरी तक चलेगा। इसके साथ साथ प्रत्येक रोज सुबह 6 से 7:30 बजे दिव्य योग विलक्षण शिविर यह भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शरीर के प्रत्येक अंग को थाप दे करके अनेकों प्रकार के रोगों को दूर किया जाता है। इस प्रकार से यह कार्यक्रम जनमानस को जागृत करने के लिए किया जाता है। दिव्य जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं और इन्हीं की अनुकंपा से यह श्रीहरि कथा कार्यक्रम समस्त ग्रामीण क्षेत्र इलाका के सहयोग से यह कार्यक्रम होने जा रहे हैं। यह काम है ग्रामीण लोगों को, शहरी लोगों को आत्मिक जागृति लेकर के विश्व शांति को लेकर के जाना। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है। हम अपने घर के भीतर में ईश्वर जो है, सत्य सनातन परमात्मा ज्योति रूप है, उसको हम अपने अंतर घट के भीतर में देखें, जाने और अपने अंदर की जो बुराई है हम उसे वो दूर कर पाएं। लेकिन ये तभी संभव होता है जब हमारे जीवन में एक मीडिएटर आते हैं, एक मार्गदर्शक आते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन के जीवन में कृष्ण आए, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त के जीवन में चाणक्य जी आए, शिवा के जीवन में समर्थ गुरु रामदास जी आए, नरेंद्र के जीवन में रामकृष्ण परमहंस जी आए, इन सब के जीवन में एक समय का एक पूर्ण सदगुरु आए, तो इन्हीं लोगों ने किस प्रकार से हर मानव के अंदर जो ज्योति जागृत प्रसुप्त है उसको जागृत किया। तो इसी प्रकार से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आज हर नर नारी के अंदर में वो प्रसुप्त शक्ति को जागृत कर रहे हैं और विशुद्ध समाज के द्वारा विशुद्ध राष्ट्र का निर्माण करने का ये शहरी कथा का कार्यक्रम मुख्य आयोजन। धन्यवाद।